एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज। इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज में हमारा टॉपिक बहुत फंटास्टिक टॉपिक चल रहा है, और हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड पे मैंने पहले लिया है, मैं कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को कवर करने के बाद आयोनिक कंपाउंड शुरू करूंगा। तो यदि आप लोग फजान्स रूल, लैटिस एनर्जी, सोल्युबिलिटी ये सब देख रहे हो तो ये सब आपको बाद में आयोनिक कंपाउंड्स में मिलेंगे। अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, VBT कैसे डेवलप हुई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडाइजेशन एंड इसके एप्लीकेशंस। अभी तक आप लोग हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री फाइंड आउट करना सीख चुके हो। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के मैंने आप लोगों को तीन अलग अलग मेथड सिखाए थे, कैलकुलेशन बेस्ड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बेस्ड। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो आप लोग यदि पहली बार यहीं से शुरू कर रहे हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग शुरू से केमिकल बॉन्डिंग को वन बाई वन देखिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ये आप लोगों को, ये मान के चलिए, आपके रैंक में बहुत इंप्रूवमेंट कर देगा। तो केमिकल बॉन्डिंग पे फोकस करिए, बेहद शानदार टॉपिक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम से ही दिख रहा है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन पर बनी हुई थ्योरी है। वैसे तो ये थ्योरी VBT से पहले ही आ गई थी। एक जापानीज थे, इन्होंने 1939 में इसके लिए एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। इसके बाद में इसको रीडिफाइन किया गया 1957 में, और 1957 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में था। तो ऑब्वियसली ये हाइब्रिडाइजेशन VBT इसके बाद में, जब मॉडिफाइड जो VSEPR है वो हम लोग पढ़ते हैं, और इसका डेवलपमेंट किया दो साइंटिस्ट थे, एक थे रोनाल्ड गिलिस्पी एंड एक थे रोनाल्ड नाइलहम। इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया। ये थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड न होकर इलेक्ट्रॉन्स की रिलेटिव डेंसिटी पर बेस्ड है। लेकिन क्योंकि हमें ये हिस्टोरिकल पार्ट में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इस सब में नहीं जाना, हमें तो हमारा काम निकालना है, हमारी ये कैसे काम आएगी ये मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। हम लोग आज VSEPR के एक पोस्टुलेट पे, जैसा कि इसका नेम ही है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, तो इस थ्योरी में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि किसी भी एक एटम को हम स्फेरिकली मानते हैं। हम वैसे एटम में भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हमने ये पढ़ा है कि एक एटम स्फेरिकल होता है। तो इस स्फेरिकल एटम में, इस स्फेयर पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, मे बी दीज पेयर्स आर लोन पेयर्स, ये हो सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या हो सकता है ये बॉन्ड पेयर हो। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स को हमें इस तरह से इस स्फेयर पे अरेंज करना है कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, एंड इनके रिपल्सन का जो ऑर्डर है, रिपल्सन का जो ऑर्डर है ये ऐसे होता है, लोन पेयर मैक्सिमम रिपेल करता है क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, बेरोजगार है। तो लोन पेयर रिपल्सन हाईएस्ट होता है, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एंड द बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मिनिमम। एक बात याद रखिए, यदि आपने अच्छे से VSEPR सीख ली तो फिर आप लोगों को शेप एंड जियोमेट्री के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज आप लोगों को मैं सारे केस जितने VSEPR में बनते हैं सबको कवर करके दिखाऊंगा, और इसके बाद आप लोग बहुत फंटास्टिक, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। बहुत शानदार थ्योरी है ये, इतनी सी बात पे हम पूरी देर खेलेंगे। कितनी सी बात है कि लोन पेयर्स कंपेरेटिवली बॉन्ड पेयर के ज़्यादा रिपेल करते हैं, इसीलिए लोन पेयर को स्फेयर पे कहाँ अरेंज करना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दो टर्म आप लोगों को मिलेंगे, एक टर्म है शेप ऑफ मॉलिक्यूल और एक है जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यदि आप जेई मेन या जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट हैं तो शेप एंड जियोमेट्री टर्म में और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। जियोमेट्री को आप लोग कह सकते हो जियोमेट्री
जियोमेट्री इंक्लूडिंग लोन पेयर, ये इसी का ही नेम है, इंक्लूडिंग लोन पेयर। आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। जियोमेट्री जनरली जो जियोमेट्री टर्म नीट में या जेईई मेन में हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है जियोमेट्री इंक्लूडिंग लोन पेयर, जबकि सेप का जनरल जो मीन्स होता है वो होता है जियोमेट्री एक्सक्लूडिंग लोन पेयर। तो दो बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यदि सेप लिख रखा है, सेप एंड जियोमेट्री दो टर्म डायरेक्ट यूज किए गए हैं, तो सेप का मतलब होता है जियोमेट्री एक्सक्लूडिंग लोन पेयर, जियोमेट्री का सिंपल मीन्स होता है जियोमेट्री इंक्लूडिंग लोन पेयर्स। क्यों ऐसा, ये दो टर्म क्या कहते हैं? तो किसी एक एटम पे, अज्यूम दैट हमारे पास एक एटम है और इस एटम पे एक लोन पेयर है, ध्यान से देखना, और तीन बी जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं ये sp3 है और इस पे तीन बी जुड़े हुए हैं पिरामिडल फॉर्म में। इसी कंपाउंड के लिए मैं दोनों टर्म यूज करने की कोशिश करता हूं, इसके लिए सेप क्या होगी और इसी के लिए जियोमेट्री क्या होगी। तो आप लोगों को जियोमेट्री डायरेक्टली सेप एंड जियोमेट्री टर्म यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है। तो जियोमेट्री मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स इन स्पेस, इन वैलेंस सेल और एट द स्फेयर। स्फेयर पे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स का अरेंजमेंट कैसा है, ये अरेंजमेंट हमने हाइब्रिडाइजेशन से सीखा है। हालांकि VACPR हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये साई जो कि अपना मैथमेटिकल फंक्शन था, वेव फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उस पर बेस्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर बेस्ड है, तो ऑब्जर्वेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर बेस्ड है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीटली मैथमेटिकल साई या अपने वेव फंक्शन पर बेस्ड थ्योरी है। तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, लेकिन हम यहाँ यूज कर रहे हैं इनको। तो एक है सेप, एक है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब है कि स्पेस अरेंजमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स इन स्पेस। तो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का यदि आप लोग अरेंजमेंट देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये कैसा अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इसीलिए आप इसकी जियोमेट्री कैसे लिखेंगे, टेट्राहेड्रल। आप इसकी जियोमेट्री क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि आप लोगों को इसमें सिर्फ ये बताना है जियोमेट्री का मतलब। जनरली कहीं भी जियोमेट्री पूछी जाए कुछ ऐसे नहीं लिख रखा हो, इतना पर्टिकुलर नहीं लिख रखा हो, इतना पर्टिकुलर जेई एडवांस्ड में लिखा जाता है, KVPY में लिखा जाता है, तो सिंपल जो जेई एंड नीट है उनमें इतना स्पेसिफाई नहीं करते, सीधा जियोमेट्री पूछ लेते हैं। देन व्हाट इज द जियोमेट्री, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्पेस अरेंजमेंट है, या फिर आप कह सकते हो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये तो आप लोग भी जानते हो, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, देन व्हाट इज द स्पेस अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इट इज टेट्राहेड्रल अराउंड दिस एटम। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, तो शेप मैंने पहले लिख रखा है, शेप मीन्स एक्सक्लूडिंग लोन पेयर। जब आप इसी कंपाउंड को इसका एक्सरे करोगे, स्पेक्ट्रोग्राफ पे इसको देखोगे, हमारा एक्सरे करते हैं ना तो हमारी हड्डियों का ढांचा दिख रहा होता है, या कोई कील किसी ने खा ली तो वो दिख जाएगी, या कोई स्टोन हो तो वो दिख जाएगा। तो ऐसे ही जब आप इसका स्पेक्ट्रोग्राफ देखोगे आप लोग, तो आप लोगों को सिर्फ न्यूक्लियस नज़र आएंगे, तो आप लोगों को एक ए का न्यूक्लियस नज़र आएगा, एक इस वाले बी का, एक इस वाले बी का और एक इस वाले बी का, आप लोगों को सिर्फ यही नज़र आएंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन है इस ए के, तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे आप लोगों को, केवल न्यूक्लियस दिखेंगे। तो इन सभी न्यूक्लियस को ज्वाइन करने पे हमें क्या मिला, पिरामिड। और इसमें लोन पेयर अपने आप एक्सक्लूड हो गया, तो हमें कैसे काम करना है, हमें सीधा लोन पेयर को छुपा देना है, लोन पेयर को नहीं देखना, एक्सेप्ट लोन पेयर। पीछे देख लो एटम्स का स्पेस अरेंजमेंट क्या है, एटम एक ट्राइपॉड के तीन पैर बचे, ऊपर कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या बचा, एक पिरामिड बचा है। देन व्हाट इज शेप, इट इज पिरामिडल शेप। तो ऑब्वियसली शेप एंड जियोमेट्री आर डिफरेंट इफ द सेंट्रल एटम कंटेन सम लोन पेयर्स। यदि लोन पेयर नहीं होता, यहाँ पे भी बी लगा होता, तो वही शेप होती, वही जियोमेट्री होती, क्योंकि सारा लोन पेयर का ही चक्कर है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लोन पेयर, वहाँ पे इंक्लूडिंग लोन पेयर।
अब थोड़ा पजल लग रहा होगा कि अरे क्या बताया जा रहा है, इधर उधर की बातें हमने तो कभी सुनी ही नहीं, हम तो सीधा BACPR में पढ़ते हैं, भैया इतने लोन पे होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो अब आप लोगों को मज़ा आएगा, अब आप लोगों को क्लियर है सेफ मीन्स द स्पेस अरेंजमेंट एक्सक्लूडिंग लोन पेयर। तो केवल बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट आप लोगों को देखना है, और जियोमेट्री मीन्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबका स्पेस अरेंजमेंट, ठीक। अब VACPR में हमने ये भी सीख लिया कि लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, इसका मतलब हमें केयर किसकी करनी है, लोन पेयर्स को एडजस्ट करते टाइम केयर करनी है। अब आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप 50 से 60 एग्जांपल कराऊंगा हर एक हाइब्रिडाइजेशन को लेते हुए। हाइब्रिडाइजेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने वो सीखा है ना, तो हमें तो उसको यूटिलाइज करना है, हमें तो एग्जाम में स्कोर करना है मैक्सिमम। ये क्या था, ये क्यों था, कैसे था, ये मैंने सब बता दिया है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स को सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं, SP हाइब्रिडाइजेशन से शुरू करना चाहिए वैसे तो, लेकिन SP को हम नहीं लेंगे क्योंकि SP में दो बॉन्ड पेयर होते हैं, दोनों 180 डिग्री पे होते हैं, पहली वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, एक लोन पेयर आ भी जाएगा तो एक लोन पेयर आने के बाद दो ही आइटम बचेंगे, तो एंगल का कोई सेंस नहीं रहेगा, सेप का भी कोई सेंस नहीं रहेगा, सेप होने के लिए या एंगल्स होने के लिए मोर देन टू एटम्स होने चाहिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप लोग कहोगे VACPR जब हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड नहीं है तो आप काय लिख रहे हो, भैया हमने तो एग्जाम में स्कोर करना है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन आता है और हमें VACPR में देखना है नया क्या है। तो AXE थ्योरी लगती है इसमें, मतलब एक AXE मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। A सेंट्रल एटम होता है, X अटैच्ड एटम होते हैं, E लोन पेयर्स होते हैं, उसी थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला आप लोग sp2 में ले लीजिए, sp2 में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो when the bond pair equals to 3 and lone pair equals to 0। यदि AXE मॉडल बनाओगे तो A सेंट्रल एटम है, X क्या है सिग्मा बॉन्ड या एटम्स बॉन्डेड टू दिस, एंड E लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होंगे जीरो, इट इज फर्स्ट मॉडल AX3E0। एग्जांपल है BH3, और आप लोगों ने कल सीख ही रखा है सबसे पहले कोई मॉलिक्यूल मिले तो आप लोगों को उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने, लोन पेयर काउंट कर लेने, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेना है। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यदि आप लोग इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड लगाते हो तो ये 120 एंगल पे होने चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा ही है। तो आप कहोगे सर VACPR का क्या काम है, क्या VACPR भी ऐसी जियोमेट्री बताती है, ऑब्वियसली VACPR इस मॉडल के लिए जियोमेट्री बताती है कि AXE जब X3 होगा E0 होगा तो जो जियोमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब यदि मैं दो मेथड सिखाऊंगा, पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन से जियोमेट्री फाइंड आउट करना सिखाया, फिर मैं VACPR से सिखाऊंगा, तो आप लोगों को पजल लगेगा, इसीलिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन से इसकी जियोमेट्री को डिफाइन किया। हम VACPR का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, सेप को फाइंड आउट करने के लिए, जियोमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से, सेप किससे, VACPR से, ऐसे करेंगे, है ना। तो अब आप लोग जानते हो इसमें यदि आप लोग देख रहे हो तो जियोमेट्री क्या है, आप लोगों को आराम से दिख रहा है जियोमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, में टीपी लिख रहा हूं सीधा। शेप कैसी है, तो ऑब्वियसली क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो बात खत्म। ऐसे ही दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड केस, व्हेन द AX2E1 हो। AX2E1 मीन्स एटम कितने होंगे या बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे 2, लोन पेयर कितना होगा प्यारे बच्चों 1। अब इसका एग्जांपल है CH2। अब CH2 एक कार्बिन है यदि आप लोग जानते हो तो, और ये sp2 कार्बिन में ले रहा हूं, कार्बिन दो तरह की होती है, मैं sp2 वाली कार्बिन ले रहा हूं। इस कार्बिन में एक लोन पेयर होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक। अब यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, हमारे हिसाब से होना ये चाहिए था कि इसकी जियोमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही है,
क्योंकि जियोमेट्री का मतलब ही हम क्या मानते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑल लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। अब यदि आप कंपेयर करोगे तो इस वाले में एग्जैक्टली 120 डिग्री एंगल थे सभी के सभी, लेकिन यहाँ पे एक अलग बात है और अलग ये है कि लॉन पेयर रिपेल करता है। लॉन पेयर क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इन दोनों के बीच में कौन सा रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो लॉन पेयर वाला रिपल्सन ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। थ्योरी बेसिकली है ही इसी बेसिस पे। तो लॉन पेयर के बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लॉन पेयर के कंपेरेटिवली कम होता है। इसका मतलब ये लॉन पेयर इसे ऐसे ऐसे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन इस लॉन पेयर से दूर जाएंगे। हर एक मॉलिक्यूल हमेशा लोवेस्ट एनर्जी पे रहना चाहता है, मिनिमम रिपल्सन चाहता है। तो मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब ये हाइड्रोजन इससे दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है प्यारे बच्चों, ये लेस देन 120 डिग्री होगा। ये कितना होगा, लेस देन 120 डिग्री होगा। यहाँ से हम एंगल की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एटम नहीं है, एंगल हमेशा एटम्स के बीच में होता है। तो HCH एंगल क्या होगा, लेस देन 120 ड्यू टू रिपल्सन ऑफ दिस। आप इधर भी लिख सकते हो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक, अब कुछ बातें समझ में आई होगी कि रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बदलता है। दूसरी बात, शेप पे क्या फर्क पड़ा। तो अब आप लोग शेप यहाँ पे काउंट करिए, शेप का मतलब एक्सक्लूडिंग लॉन पेयर, तो इसे भूल जाइए। तो पीछे ये उल्टा वी बचा, पीछे क्या बचा, उल्टा वी, इसे हम बेंट शेप कहते हैं। आप लोग बेंट शेप कह सकते हो, या फिर आप लोग प्यार से इसे उल्टा वी कह सकते हो। तो उल्टा वी मतलब ये इस तरह की शेप है इसकी, है ना। ठीक, तो वी शेप कह सकते हैं, उल्टा सीधा कुछ नहीं, इस मॉलिक्यूल को उल्टा पटक लो तो वी शेप भी कह सकते हैं। सीधा सीधा आप लोग इसे वी शेप भी कह सकते हो, वी शेप, बेंट शेप या उल्टा वी, तीनों में से कुछ भी लिखाओ, एक ही बात है। अब यदि हम कहें दो लॉन पेयर हैं, मान लो यदि हमें कहा जाए दो लॉन पेयर हैं, तब बताओ क्या होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, जैसे अपने पास ए एक्स ई क्या होना चाहिए, टू, और इसका एग्जांपल हो सकता है एन एच नेगेटिव। तो एन एच नेगेटिव में आप लोगों को यही स्ट्रक्चर मिलेगा। एन एच नेगेटिव में दो और दो चार, एक पाँच, फाइव इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एन एच जो है वो ऐसा ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एन एच की बजाय सी एच ले लेते हैं। सी एच में आप लोगों को दो लॉन पेयर दिख रहे हैं, एक बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा। अब इस वाले कार्बन पे आप लोगों को दो लॉन पेयर नज़र आ रहे होंगे, तो दोनों लॉन पेयर लगा दीजिए। और इसके अलावा आप लोगों को एक सिग्मा बॉन्ड भी नज़र आ रहा होगा। अब इसमें जियोमेट्री की बात करें, ये sp2 हाइब्रिड ही है, तो जियोमेट्री की बात करें तो आप लोगों को जियोमेट्री वही दिख रही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप की बात नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि दो ही एटम बचे हैं। एंगल की बात भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत भयानक लोन पेयर रिपल्सन है। और ये रिपल्सन इसे इधर से कहीं से मार लो, ये तो ढीठ है, ये तो अकेला है, इधर से मारोगे इधर चला जाएगा, इधर से मारोगे इधर चला जाएगा। तो फाइनली शेप की कोई बात नहीं कर रहे, शेप का मतलब दो ही एटम बचे हैं, दो एटम लीनियर ही हो सकते हैं, उनमें और कोई शेप नहीं हो सकती। कुल मिला के sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों ने तीन मॉडल पढ़े, ax3e0, ax2e1, axe2। मेरा सजेशन है कि आप एक कॉपी पेन उठाइए और उसमें एक टेबल बना लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखिए सबसे पहले, उसके तीन केस, फिर sp3 में चार केस, फिर sp3d में केसेज, फिर sp3d2 में केसेज, इस तरह से एक पेज में सारे केसेज कवर हो जाएंगे। और फिर एक बार या दो बार आप अच्छे से रिवाइज करोगे, आप ताउम्र कभी नहीं भूलोगे। तो प्यारे बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों ने सीखा शेप एंड जियोमेट्री में डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केसेज पे चलते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता होगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, एंटरटेन बहुत कम करता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आप लोग एक बार अच्छे से मेरे साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ लोगे और उसके बाद आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, आप लोगों के क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे को बता देना, है ना।
थोड़ा सा मैं स्टोरीज कम सुनाता हूँ, तो एक दिन आप लोगों को पक्का बूढ़ी काकी की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो नेक्स्ट अपना जो है वो है SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट केस है AX4E0, AX4E0। फिर मैं बता देता हूँ, ए सेंट्रल एटम है, एक्स जो है वो बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ई लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंट्रल एटम पे चार बॉन्ड पेयर है। एग्जाम्पल ले लीजिए CH4। CH4 में आप लोग लुईस स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, आप लोगों को पता है फोर सिग्मा बॉन्ड्स हैं। फोर सिग्मा बॉन्ड मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3 है। यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3 है तो इसके ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट स्पेस में ऐसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल एंगल होने चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। सभी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे सभी एंगल सेम है, सेप एंड जियोमेट्री बोथ आर, क्योंकि लोन पेयर नहीं है ना, तो सेप और जियोमेट्री सेम रहेगी। सेप एंड जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल, TD का मतलब टेट्राहेड्रल। ध्यान से देखते रहना, मजेदार है ये बहुत ज्यादा। सेकंड एग्जांपल आप लोग ले लीजिए AX3E1। एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा? तो इसका एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए, आप लोगों को स्पष्ट दिखेगा। वन सिग्मा, वन लोन पेयर, थ्री सिग्मा बॉन्ड, सम आएगी 3 + 1 = 4, मतलब SP3। ऑब्वियसली ये भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री का होगा। इसमें भी चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होंगे, वन ऑर्बिटल कंटेन्स लोन पेयर। वी नो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइदर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और कंटेन्स लोन पेयर। ये लोन पेयर है, ये सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब बात आती है कि इस अमोनिया की जियोमेट्री क्या है। तो जियोमेट्री आप लोग लिख दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करना। जो हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है ना, ये जियोमेट्री आंख बंद करके वही दो, चाहे लोन पेयर हो चाहे डबल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगी। हम लोग जानते हैं कि ये लोन पेयर बहुत खतरनाक होते हैं, तो ये इन तीनों को रिपेल कर रहा है, और हर बार लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अप्लाई कर रहा है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये बेचारे उससे दूर भागेंगे। एक्चुअल में एंगल कितना होना चाहिए था, यहाँ पे एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इनके बीच में एंगल होता है 107 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। इसके बीच में भी 107 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी ये एंगल भी 107 डिग्री होता है। मतलब हाइड्रोजन के बीच का एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? ड्यू टू रिपल्सन ऑफ दिस लोन पेयर। अब चलते हैं कि आपसे पूछा जाए शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो शेप में क्या करना है, शेप मीन्स जियोमेट्री एक्सक्लूडिंग लोन पेयर, मतलब एक्सरे करके देख लीजिए न्यूक्लियस कहाँ पे है, 1 2 3 4। और कैसा है ये एक ट्राइपोड है, मतलब पिरामिड है। तो ये मिस्र का पिरामिड है, तो इसकी शेप कैसी होगी, पिरामिडल शेप, मतलब जियोमेट्री एक्सक्लूडिंग लोन पेयर्स। चलिए प्यारे बच्चों, यदि आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है या कुछ भी आप लोगों को समझ में आता है, तो फिर वीडियो को फट से लाइक कर दीजिए। इससे मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। प्यारे बच्चों, थर्ड एग्जांपल में ए, धीरे धीरे क्या करो, AX2 आप खुद करना सीख लो। देखो सबसे पहले सारे बॉन्ड पेयर लो, लोन पेयर जीरो लो। आप ये एक्स ई ए एक्स ही क्या, VACPR ने खुद बनाया था इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। आप लोग इसे ABL कर लो, ए सेंट्रल एटम, बी जो है बॉन्ड पेयर, एल लोन पेयर, है ना। आप सेंट्रल एटम को सी लेना चाहो तो CBL कर लो, CBL हो जाएगा ये। अब आप लोगों को क्या करना है, सेंट्रल एटम पे पहले, जैसे SP3 है तो हमें जानते हैं सम कितनी आती है, फोर, फोर ऑर्बिटल होते हैं हाइब्रिड। तो क्या कर लो, ए बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। फिर लोन पेयर को एक एक करके बढ़ाते चले जाओ, बॉन्ड पेयर को घटाते चले जाओ, क्योंकि लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड की सम कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, यदि आप SP3 पे काम कर रहे हो तो। इस एग्जांपल में आप लोगों को मैं एग्जांपल करा रहा हूँ H2O। लुईस स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए H2O का। अब आप लोग जानते हो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन SP3 होगा। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और आप लोग चाहें जैसे बना लें इसको, जैसे ये आपने एक लोन पेयर बना दिया,
एक लोन पेयर ये आप लोगों ने बना दिया, एक आपने ये हाइड्रोजन बना दिया और एक आपने ये हाइड्रोजन बना दिया। इसी जियोमेट्री को आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, चाहे तो ऑक्सीजन पे ऐसे दो कान बना दीजिए और ये हंसता हुआ एक चेहरा बना दीजिए खरगोश जैसा, और दो हाइड्रोजन एटम को यूँ बना दीजिए, ये भी एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन आ गया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अभी तक कहीं नहीं आया था। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी बढ़ जाएगी कि इससे ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन भी लोन पेयर से रिपेल हो रहा है, ये भी लोन पेयर से रिपेल हो रहा है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आ रहा है यहाँ पे। ये इतने पास आ जाते हैं एक दूसरे के कि इनके बीच का एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 104.5 डिग्री। ये डेटा सीधे पूछे जाते हैं भैया, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखियो। अब यहाँ आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ जियोमेट्री क्या है इसकी, तो जियोमेट्री में आँख बंद करके क्या बता देना है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से डिफाइन करनी है। अब आप लोगों को कहा जाए शेप क्या है मॉलिक्यूल की, तो शेप क्या बचा है, तो शेप का मतलब इन दोनों को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, पीछे बचा है उल्टा वी या बेंट शेप, तो आप लोग इसका आंसर देंगे बेंट शेप या फिर वी शेप, जो आपका मन करे वी शेप या बेंट शेप। देख रहे हो आप लोग एंगल के साथ क्या हुआ, तो एंगल पहले यहाँ पे कितना था, एंगल यहाँ पे था 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे ही एक लोन पेयर आया ये हो गया 107 डिग्री, जैसे ही अगला लोन पेयर आया ये हो गया 104.5 डिग्री। एंगल ऐसे डिक्रीज होगा जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, एक और लोन पेयर बढ़ा लीजिए, एक यदि आप और लोन पेयर बढ़ाओगे तो आप लोग इस वाले एरिया में, छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है ए, अपने पास एक्स कितना बचा है केवल 1 और ई कितना हो गया है 3। एग्जाम्पल है एच सी एल, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इसी केस में आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लोरीन पे 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, बाकी बचे हुए 3 क्या लगा दीजिए, लोन पेयर लगा दीजिए। अब जियोमेट्री इसी कंपाउंड की यदि आप लोग जियोमेट्री देखोगे तो वो टेट्राहेड्रल होगी, कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इस मॉलिक्यूल की जब शेप की बात करोगे तो आप लिखेंगे नो, कोई शेप नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि दो ही एटम बचे हैं और दो एटम की कोई शेप नहीं होती। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा था एक कॉपी उठाइए, नोट करना शुरू करिए, पहले sp2 के 3 केस लिखिए, फिर sp3 के 4 केस लिखिए, अब आएगा sp3d, इस तरह से सबको कवर कर लेंगे। और अब आप लोग शेप बनाना तो सीख ही गए होंगे, शेप एंड जियोमेट्री। देखो केमिकल बॉन्डिंग में धीरे 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 इतनी चीज़ें आएगी, तो एक तरह से केमिकल बॉन्डिंग शुरू ही अब हुई है, बहुत थ्योरी जाएगी, पूरी VBT पूरे हाइब्रिडाइजेशन को मॉडिफाई करके पटक देंगे हम लोग। तो आप लोग यदि लिखोगे ना तो ये चैप्टर आप लोगों का ता उम्र के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, और यही चैप्टर है जो JEE & NEET दोनों में रैंक तय करता है। मैं जब पेपर सॉल्व करवाता हूँ तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको पता है मैंने अभी बताया कि JEE & NEET में रैंक लानी है तो फिर केमिकल बॉन्डिंग के बिना नहीं चलेगा भैया, ऐसे कैसे चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं sp3d। पहली बात खुद ही बहुत एक्सेप्शनल है, और sp3d में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो तरह के एंगल होते हैं, तो इसे समझाने के लिए और भी कई सारी थ्योरीज आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, लेकिन VACPRB इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। तो चलो पढ़ते हैं कौन सा sp3d। पता है जैसे आप लोग एक बेसिक से काम को करने के लिए कई बार गूगल की हेल्प लेते हो, कई बार आप लोगों को और भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि गूगल ही सब कर देता है, गूगल के पास सारे सॉफ्टवेयर हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में जनरली माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं या फिर iOS यूज़ करते हैं, एप्पल का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग में भी एक ही थ्योरी सब कुछ नहीं है, एक ही थ्योरी सब कुछ नहीं समझा देती है, यहाँ एक ही कंपाउंड को समझाने के लिए मोर देन 1 थ्योरीज को यूज करना पड़ता है। तो यदि आप लोग अभी समझ पा रहे हो तो जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल आता है जब सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसे हाइब्रिडाइजेशन से समझाया जा सकता है, लेकिन जैसे लोन पेयर आता है तो एंगल्स को
और सेप को, इन दोनों को हाइब्रिडाइजेशन से नहीं समझाया जा सकता, इसके लिए हमें VACPR को पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हम धीरे धीरे एड ऑन कर रहे हैं, ऐसी बहुत थ्योरी ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहला केस ले लीजिए AX5 और आप लोगों को E कितना ले लेना, 0। फिर डिफाइन कर देता हूँ, A सेंट्रल एटम है, X बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड है, E लोन पेयर है मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ PF5। सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए, आप लोग जानते हो इस पे 5 फॉस्फोरस एटम जुड़े हुए हैं और 5 फॉस्फोरस एटम जो हैं ये 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। यदि आप इसकी जियोमेट्री ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को एक फॉस्फोरस सेंटर में मिलेगा और इस पे ट्राइंगल पे 3 ऊपर एवं नीचे की तरफ 2, इस तरह से टोटल 5 बॉन्ड्स होंगे। ऊपर वाले जो हैं इनका एंगल कितना होगा 90, इक्विटोरियल हैं यहाँ वाले हैं इनका एंगल 120 एंड 90 दोनों तरह का होगा। तो इस वाले का जब आप इसके साथ एंगल देखोगे तो ये 90 होगा और इसका जब इसके साथ एंगल देखोगे तो ये 120 एंगल होगा। इसकी जियोमेट्री एंड शेप दोनों के दोनों रेगुलर हैं क्योंकि एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, तो इसे कहेंगे हम ट्राइगोनल बाई पायरेपिडल, ट्राइगोनल पायरेपिडल इसकी शेप एंड जियोमेट्री है, एंगल सभी रेगुलर हैं। नेक्स्ट केस ले लेते हैं AX4E1, मतलब एक लोन पेयर आ जाए और 4 क्या रहे, बॉन्ड पेयर रहे। ठीक, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं SF4, सल्फर पे एक लोन पेयर 4 फ्लोरीन एटम है। अब पता है यहाँ पे दो तरह के एंगल हैं, यहाँ पे दो तरह के एंगल हैं, इसलिए ज़्यादा सिंसियरली सोचना पड़ेगा। हमें पता है लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करता है, तो लोन पेयर को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से ये मिनिमम रिपल्सन करे। तो वही आप लोगों को क्या कर लेना है, एक बेसिक जियोमेट्री बना लेनी है। एक बार समझने का काम है, मतलब ये बार बार नहीं करना पड़ता, न्यूमेरिकल नहीं है, नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, थ्योरी समझने की बात है। एक बार आप मेहनत कर लीजिए, एक बार इन्वेस्ट कर लीजिए, ताउम्र कभी नहीं भूलोगे। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है जो मैं करवा रहा हूँ। अब आप लोगों के पास दो चॉइसेस है, या तो आप एक्सियल पे, आप लोगों को मैंने बताया था कल ही प्रीवियस क्लास में, एक्सियल इन्हें कहते हैं, ये एक्सियल पोजीशंस है और ये इक्वेटोरियल पोजीशंस है। तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप लोन पेयर को यहाँ पे लगाओ या फिर आप लोन पेयर को यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे लगाने का मतलब इन तीनों में से किसी एक पे, और यहाँ पे लगाने का मतलब या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। देखो यदि आप यहाँ पे लोन पेयर लगाते हो तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। इसका मतलब इस वाले लोकेशन से सभी के सभी 90 डिग्री एंगल यानी बहुत नज़दीक है, जितना कम एंगल होगा उतना नज़दीक होगा दूसरा पेयर। और यदि आप यहाँ लगाते हो तो यहाँ पे ये एंगल तो 90 पे है लेकिन कुछ एक एटम्स 120 पे भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो मोर स्पेस इज अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे दूसरे जो एटम हैं वो 120 डिग्री पे हैं, जबकि यहाँ से अदर बॉन्ड पेयर्स या अदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स आर नियरर एज कंपेयर्स टू दिस, है ना, इक्विटोरियल पोजीशंस। तो इक्विटोरियल के कंपेरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा नज़दीक हैं, इसका मतलब हमें किसे प्रेफर करना चाहिए, हमारे लिए ये ज़्यादा बढ़िया है, इट इज़ बेटर चॉइस, ये ज़्यादा अच्छी चॉइस है। तो एक बार में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप खुद समझ लीजिए। लोन पे रिपल्सन करेगा तो हम उसे ऐसी जगह रखेंगे ना जहाँ से रिपल्सन मिनिमम हो, तो ये यहाँ से ये दूर है, यहाँ से ये दूर है, तो यहाँ से रिपल्सन बहुत कम होगा। यदि यहाँ रख दिया तो ये सबको आग लगा देगा, जला देगा, भस्म कर देगा, क्योंकि ये बहुत पास आ गया है। इसीलिए हम इसमें जब लोन पेयर लगाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल जियोमेट्री हो तो लोन पेयर को हमेशा कहाँ लगाएं, हमेशा इक्विटोरियल पे लगाएं। तो ये है सल्फर भैया, सल्फर किसी भी इक्विटोरियल पे, ऑल आर आइडेंटिकल, कहीं आप सोचते ये दूर है, ऐसा नहीं है, जितना ये दूर है उतना ये दूर है, उतना ही ये दूर है, बाकी सब जगहों पे फ्लोरीन लगा दिया जाए तो बाकी 4 फ्लोरीन आप लोगों ने लगा दिए। अब क्या होगा इससे,
क्या होगा इससे। अब आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बताओ इसमें 90 एंगल कितने हैं। अब आपको लगता है यार हाँ यार देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 490 है सर, 120 कितने हैं, 120 एक है, नहीं भैया है ना। अब कोई भी एंगल न 90 है न 120, क्योंकि ये वाला रिपेल कर रहा है और इसके रिपल्सन इस पे भी अप्लाई होगा, इसका रिपल्सन इस पे भी अप्लाई होगा, इसका रिपल्सन इस पे भी अप्लाई होगा, ये सबको रिपेल कर रहा है, ये भूत है ना, भूत हूँ मैं। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो अब मैं यहाँ पे जो बातें लिख रहा हूँ उन पे ध्यान दीजिएगा कि नो वन एंगल इज इक्वल टू एज इक्वल्स टू, क्या है ये लिखने में यही बीमारी है, इज इक्वल्स टू 90 और 120। एक भी एंगल 90 या 120 नहीं है, इस पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है। ये आप लोगों को बहुत बार पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितने 90 एंगल हैं, बताओ इसमें कितने 120 एंगल है। तो जिन्होंने सस्ता नशा किया है, जिन्होंने ट्रिक्स पे काम किया है, जिन्होंने इंपॉर्टेंट पढ़ा है, वो नहीं बता पाएंगे भैया है ना, इसीलिए उनकी रैंक नहीं आएगी। तो जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बता देगा कि 90 एंगल या 120 एंगल कितने हैं, जीरो। कितने 90 एंगल है, जीरो। कितने 120 एंगल है, जीरो, क्योंकि ये एंगल, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल अब लेस देन 90 है। इसे एक बार फिर बना देता हूँ, आप लोग भी क्या याद रखो कि थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सल्फर है, ये लोन पेयर है, और एक बार एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और सही, लेकिन पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई मिसकॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होना चाहिए। ये एंगल, अब हर एक एंगल को डिफाइन करते हैं, दिस एंगल इज लेस देन 120, दिस एंगल इज लेस देन 90, दिस एंगल इज लेस देन 90, लेस देन 90, तो 90 से भी ये कम है, ये सभी एंगल 90 या 120 से कम है। अब जियोमेट्री जैसी टर्म आए या जियोमेट्री इंक्लूडिंग लोन पेयर आए, तो आप हाइब्रिडाइजेशन पे चले जाइए, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल, आंख बंद करके दीजिए। लेकिन जब बात आती है सेप की, सेप का मतलब है इसे हटा दीजिए, इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए, पीछे क्या बचा है, पीछे बचा है एक पाई। ध्यान से देखिए, इसे हटाइए तो पीछे क्या बचा है, दो डंडियां प्लेन में, एक डंडी प्लेन से ऊपर एक नीचे, इसे हम कहते हैं पाई सेप। तो ये ऐसा बचा है ना, इसे सी सो भी कह सकते हो, देखो ये झूले जैसा, ये बचा है, इसकी सेप है ये ना। तो इसके कई नेम हैं, पाई सेप कह सकते हो आप लोग इसको, इसे सी सो सेप कह सकते हो, सी सो सेप मतलब वो जो झूला आप लोगों ने कभी खाया है, इसे डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हो, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ही होता है ये। ऐसे टेट्राहेड्रल में ये चार एंगल 109 डिग्री होते हैं, इसमें वो बिगड़ जाते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक एंगल कंपेरेटिवली बड़ा होता है, दो थोड़े छोटे होते हैं। कुल मिला के प्यारे बच्चों, इसके कई सारे नेम है, पाइसेप, सीसो या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, सभी एक ही बात है। उम्मीद है आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केस अभी बाकी हैं, SP3D अभी बाकी है, ये सबसे ब्रॉड हाइब्रिडाइजेशन है। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, SP3D ही चल रहा है। अब दो लोन पेयर ले आते हैं, जब लोन पेयर दो हो जाएंगे और बॉन्ड पेयर रहेंगे तीन, तो इसका एग्जांपल होता है CLF3, वही अपना लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर बनाने तो आ ही गए होंगे, हाइब्रिडाइजेशन SP3D है। यदि SP3D हाइब्रिडाइजेशन है तो जियोमेट्री बना लीजिए, क्लोरीन को सेंटर पे लगा दीजिए। अब हम सीख चुके हैं, अब हम खिलाड़ी हैं भैया, तो अब हम जानते हैं कि लोन पेयर कहाँ लगाने हैं। लोन पेयर्स को लगा देना है कहाँ पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे, किन्हीं दो पे लगा दीजिए जो आपको पसंद आ रहे हैं, उन पे लगाइए, किसी की मत सुनिए। अब ये क्लोरीन लगा दीजिए, बताइए इसमें कितने 90 एंगल हैं। तो कोई भी एंगल 90 नहीं बचा, दिस एंगल इज नाउ लेस देन 90 डिग्री,
एंड इट इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। ये अब पूरा एंगल भी 180 से क्या है, कम है, क्योंकि इधर से इसे क्या मिल रहा है, रिपल्सन मिल रहा है। ये दोनों भूतिया जो हैं ये लॉन पेयर रिपल्सन कर रहे हैं, यहाँ पे ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसका जियोमेट्री क्या होगा, तो जियोमेट्री वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो पहले से हम लोग जानते हैं। जियोमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाईपायरेमिडल। सेप कैसी होगी भैया, तो सेप जो है अब देख लो, ये दोनों खा जाओ, एक्सक्लूड कर दो, पीछे क्या बचा, टी सेप्ट, है ना, टी सेप्ट, एक टी जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, टी सेप्ट ये हो गया। नेक्स्ट केस ले लेते हैं ए, अब आप लोगों को तीन लॉन पेयर लगा देने हैं, कितने लॉन पेयर लगा देने, 3 लॉन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसका एग्जाम्पल है XEF2। XEF2 का लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए, जिनोन पे 3 लॉन पेयर होते हैं, 2 फ्लोरीन होते हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp3d है, यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो जिनोन को सेंटर में होना चाहिए, और अब यहाँ पे 3 लॉन पेयर लगा देने हैं। तो लॉन पेयर लगाने कहाँ, इक्विटोरियल में लगाने हैं, तो लॉन पेयर आप लोग लगा दीजिए। अब आपके पास क्या बचे, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को ऊपर एवं नीचे की तरफ लगा दीजिए, क्योंकि ये सिमेट्रिक रिपल्सन होता है फ्लोरीन को। तो यहाँ पे XEF एंगल नियरली एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों तरफ से सिमेट्रिक, इधर से रिपेल करेगा, इधर से रिपेल करेगा, तीनों 120 पे सिमेट्रिकली रिपेल करेंगे, तो फिर ये जाएंगे कहाँ बेचारे, है ना। तो थोड़े दूर भले ही शिफ्ट हो जाए, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। अब वही अपना सेप एंड जियोमेट्री, तो सेप आप लोगों को दिख रही है, अब लीनियर हो गई है, सीधा हो गया है, लॉन पेयर ने मार मार के इसको सीधा कर दिया है। और जियोमेट्री आप लोग देख रहे होंगे, जियोमेट्री में सोच मत लेना, ये ट्राइगोनल बाईपायरेमिडल ही होगी जैसा आप लोगों ने सोचा होगा। नेक्स्ट केस हम बनाने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट केस ले लेते हैं AX3, AX कितना ले लें, AX1 एंड E4, 4 लॉन पेयर ले लें। यदि आप लोग 4 लॉन पेयर ले लोगे किसी A पे, ऐसे सोच के देखिए, 4 लॉन पेयर ले लिए पहले से ही, तो इसका ऑक्टेट तो आपने पहले ही कंप्लीट कर दिया, और आपने कोई एलिमेंट ऐसा कभी नहीं देखा होगा जिसके सबसे आउटर मोस्ट में 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि यदि एक बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन वाला तो कोई नहीं होता। N-1 में, N-2 में, इन सब में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन nth सेल में, आउटर मोस्ट सेल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आपने 8 ही देखे होंगे। इसका मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर चलते हैं अगली जियोमेट्री sp3d2 पे। तो चलिए sp3d2 पे चलते हैं। sp3d2 को समझने से पहले आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री को प्यार से समझना होगा। मैं पहले ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहना। ये सेंट्रल एटम है और इस पे आप लोगों को 4 चीज़ें स्क्वायर पे जोड़ देनी है, 5th और 6th जो है इस तरह से जोड़ देना है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, और यदि जियोमेट्री में ही कन्फ्यूज़न हुआ तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा खेलने का। तो अभी ऐसा सोचिए, यहाँ पे एक सेंटर में कोई एक एटम मैंने लगा दिया ए, इस पे मैंने यहाँ पे बी जोड़ रखे हैं, और आप लोग इसे ध्यान से देखना, आप लोग इसे ध्यान से देखना कि अभी आपका व्यू इधर से है, फ्रंट से आप लोग इसे देख रहे हो, ये बी जुड़े हुए हैं, ये ए जुड़ा हुआ है, ये सी जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को बाहर से देखने पे लग रहा है कि ये एक प्लेन है, और इस प्लेन से बाहर और अंदर की तरफ क्या जुड़े हुए हैं, सी जुड़े हुए हैं, ठीक। ये अभी आप लोगों को लग रहा है। अब सोचिए इसका एक और व्यू मैं देखने की कोशिश करता हूँ, सेम में, आप इसको दिमाग में रखिएगा, फिट रखिएगा, मैं इसी में एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, यहीं का यहीं। मैंने क्या किया, एक व्यूअर, मतलब मैं किसी और एंगल से इसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, देखो आपके सामने ही सेम, मैं जियोमेट्री चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहा, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, आप लोगों के सामने ही इसे सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई कर रहा हूँ, और आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ लाइनें मिटा दी हैं और मैं कुछ नई लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने ये एक नई लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने ये एक नई लाइन ड्रॉ कर दी, ध्यान से देखते रहना, मैंने 2 नई लाइनें ड्रॉ कर दी है।
अब मैं इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं और मैं इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं। अब मैंने एक नया स्क्वायर बना लिया है, मैं पुराने स्क्वायर को हटा रहा हूं धीरे धीरे। मैंने दो लाइनें पहले डिलीट मार दी थी, दो लाइनें मैं अब डिलीट मार रहा हूं। ये थी आप लोग देख रहे हो, तो मैंने सेम कंपाउंड में मतलब मैंने कोई बॉन्ड चेंज नहीं किया है, इसका मतलब कंपाउंड वही है, सिर्फ सिनेरियो बदल दिया मैंने। इसी कंपाउंड को अब एक व्यूअर इधर से देख रहा है, इस साइड से देख रहा है, पहले आप फ्रंट से देख रहे थे, अब आप साइड से देख रहे हो। वही सेम कंपाउंड में आप लोगों को ये दोनों बी, अब आप लोगों को लग रहा है ये एक्सियल पे चले गए हैं, बी सी सी बी, ये चार इक्विटोरियल पे हैं। एक्चुअल में ये वही तो कंपाउंड है, आपने तो उसको मतलब जैसे ये कंपाउंड है ना वैसे ही रखा, आपने तो इसको यूं भी नहीं किया। सेम कंपाउंड में एक व्यूअर को जो इक्विटोरियल दिखता है, दूसरे व्यूअर को वो एक्सियल दिखता है। तो सभी के सभी बॉन्ड एक्चुअल में 90 वाली तो हैं, तो एकदम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सभी के सभी आइडेंटिकल हैं, कोई इक्विटोरियल या एक्सियल नहीं होता। ये व्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से देख रहा है। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में हम ये टर्म ही यूज नहीं करते, इक्विटोरियल एंड एक्सियल, जबकि आप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में करते हो, क्योंकि वहां पे एक्सियल मतलब एक्सियल ही होता है, वो कभी इक्विटोरियल नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस जियोमेट्री को अच्छे से समझना जरूरी था। अब वही केस ले लेते हैं, AX6E0, मतलब सभी सिग्मा बॉन्ड हो। एग्जाम्पल है SF6, वही आप लुईस स्ट्रक्चर इसका बना दीजिए, 6 आप लोगों को फ्लोरीन लगे हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक, अब आप लोग देखिएगा तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है, और सिंपली वही सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। सल्फर की जियोमेट्री डिसाइड कर दीजिए, सल्फर को सेंटर पे लगा दीजिए। अब आप लोग जो है वो क्या कर दीजिए, फ्लोरीन एटम्स लगा दीजिए। फ्लोरीन एटम्स लगाने पे इस तरह की जियोमेट्री आएगी इस कंपाउंड की। कोई कहे जियोमेट्री क्या है, कोई कहे शेप क्या है, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों सेम होगा, तो दोनों ही कैसे होंगे, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल लिखना था, पता नहीं क्या लिख दिया ये, ऑक्टाहेड्रल। एंगल सभी के सभी एंगल 90 डिग्री है, टोटल 12 90 डिग्री एंगल्स आर प्रेजेंट। मैंने कल आप लोगों से पूछा था कितने हैं कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, आज मैंने बता दिया है, इसके इन चारों से और अंदर के चार, टोटल 12। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस में आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड केस में आप लोग ले लीजिए क्या था अपना, ए एक्स, अब 5 ले लीजिए, ई कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग IF5। IF5 में अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक लोन पेयर रखना है और 5 बॉन्ड रखने हैं। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। वैसे अब आप लोगों को इतनी देर में अंदाजा तो हो ही गया होगा काम कैसे करना है, काम करना आप लोग सीख गए होंगे। अब इसमें जहां मन करे ना, इक्विटोरियल एक्सेल कोई है नहीं, सब आइडेंटिकल है। जिस पे मन करे ना, जिस पे जहां आपको पसंद आ रहा है, बोले ये अच्छा लग रहा है आपको, है ना, जिसकी शक्ल अच्छी लग रही है वहां पे लोन पेयर लगा दो। हर एक जगह से आप लोगों को सेम ही रिपल्सन मिलेगा। तो बाहर आ जा बेटा, बाहर आ जा, आ ही नहीं रही है, आ गई है ना। तो देखिए सभी जगहों पे आप लोगों को सेम रिपल्सन मिलेगा इस लोन पेयर से, इसलिए कहीं जहां आपका मन करे ना वहां लगा दीजिए ये लोन पेयर। अब आप ये मत कहना आपने एक्सेल पे क्यों लगाया, मैं इसको अंदर भी लगाऊंगा तब भी वही बात होगी, बाहर लगाऊंगा तब भी वही बात होगी। अब इसकी जियोमेट्री पे आप लोग आ जाइए, तो जियोमेट्री इसकी कैसी होगी, वही ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन शेप जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसे भूल जाओ, अंदर पीछे क्या बचा, एक स्क्वायर, स्क्वायर पे एक पिरेमिड, तो इसको कहेंगे हम स्क्वायर पिरेमिडल। ठीक, एंगल कितने हैं, तो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स आर जस्ट इक्वल टू 0। कोई एंगल 90 नहीं बता, ये सब रिपेल हो रहे हैं, ये इसको भी रिपेल कर रहा है, ये इसको भी रिपेल कर रहा है, देन ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए केस थर्ड पे चलते हैं। केस थर्ड है अपना AX4E2। दो लोन पेयर ले लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा XEF4। अब आप लोगों को मैं सीधा बता रहा हूँ, लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट नहीं कर रहा,
अब इतनी देर में इतनी तो हमें समझ में आने लग गई है। और अब देखिए दो लोन पेयर आप लोगों को बना देने हैं, एक लोन पेयर अपर साइड बना दीजिए, एक लोअर साइड बना दीजिए, अच्छा अंदर भी बना सकते हो, इनको कहीं लगा दीजिए, बस ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगाना, मतलब दोनों ऐसे मत लगाना, एक यहाँ और एक यहाँ मत लगाना, एक यहाँ और एक यहाँ मत लगाना, एक यहाँ और एक यहाँ मत लगाना, मतलब यदि आपने एक बाहर लगाया है ना तो दूसरा भी बाहर लगाना, एक अंदर लगाया तो उसके ट्रांसपोजिशन पे लगाना जस्ट अपोजिट, दोनों का एंगल 180 होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखोगे। अब इस कंपाउंड की जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इस कंपाउंड की शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर शेप है। और अब इसमें एंगल डिस्टर्ब नहीं है, इसमें एंगल नियरली अप्रोक्सीमेटली वही 90 डिग्री ही है। ठीक, नेक्स्ट केस यदि हम थ्री लोन पेयर ले लें तो आप लोग ऐसे सोचिए, थ्री लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, पीछे तीन बॉन्ड पेयर, 6 + 3 = 9 इलेक्ट्रॉन, इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई नेक्स्ट केस नहीं बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर अंतिम पे चलते हैं। अंतिम अपना है sp3d3। तो चलिए अंतिम केस ले लेते हैं sp3d3, इसमें लोन पेयर आने से क्या फर्क पड़ेगा। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आप लोग लेंगे ax7e0, एग्जांपल है if7, सीधा सीधा आप लोग क्या बना दीजिए, इसका जियोमेट्री बना दीजिए, आयोडीन पे इस तरह से आप लोग लगा दीजिए क्या फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन, तो इस तरह से आप लोग 7 फ्लोरीन लगा चुके हैं। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे ये आप लोग जानते हो ये वाले एंगल 72 डिग्री होते हैं, ये वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो शेप एंड जियोमेट्री दोनों ही पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी, PBP मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल, एंगल सभी रेगुलर होंगे। लेकिन अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कम से कम पिछले 5 साल में 5 बार क्वेश्चन आया होगा, हर बार जी नीट में पक्का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट केस है अपना, क्योंकि एक्सेप्शनल है, अब कहीं जहाँ जहाँ आप लोगों को मैं एक्सेप्शन कहूँगा इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, तो एक्सेप्शन का मतलब है हमने एक थ्योरी डेवलप करी कंपाउंड्स को समझाने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, क्योंकि थ्योरी हमने इन्वेंट करी, कंपाउंड नेचुरल हैं तो नेचर हमारे रूल्स में आएगी ऐसा नहीं है, हम रूल्स को इस तरह से डेवलप करते हैं कि ज़्यादातर कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया जा सके, लेकिन क्योंकि नेचर इतनी इनफाइनाइट है कि इंसानों के बनाए रूल हर कंपाउंड पे नहीं लगते, तो कुछ दूर तक तो रूल लगते हैं, जहाँ वो रूल नहीं लगता उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। तो ये जो केस है ये है अपना XEF6, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। यदि हम इस जियोमेट्री की बात करें तो इस जियोमेट्री के हिसाब से एंगल 72 कम है, इसमें क्या होता है एक लोन पेयर होगा, 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो यदि हम हमारी बेसिक थ्योरी पे काम करें तो हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे यदि आप लोन पेयर लगाओगे तो इस लोन पेयर को यहाँ 72 एंगल मिलेगा, जबकि इस वाले लोन पेयर को हर बार 90 एंगल मिलेगा। तो हमें तो ये समझ में आता है कि लोन पेयर को यहाँ लगाया जाए, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कल जो इमेज है जो मैंने आपको बताया था एक्सरे करके देखते हैं, वो इमेज ऐसा बताती है कि एक्चुअल में ये लोन पेयर यहाँ होता है, वो इमेज बताती है कि इसकी शेप एक्चुअल में ऐसी मिलती है जो प्रूफ करती है कि ये इस तरह की शेप का होता है। क्यों ऐसा, हर चीज़ को हम समझा नहीं पाते तो इसीलिए हम एक्सेप्शन कहते हैं, क्योंकि हमारी थ्योरीज में नहीं आता, हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इसको कहाँ होना चाहिए था, एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए था, ये होता कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब पहले तो मैं आप लोगों को इसके डेटा बताता हूँ, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा। सबसे पहले इसके डेटा देखिए, यदि आप लोग इसी कंपाउंड की जियोमेट्री की बात करोगे तो जियोमेट्री वही है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसे इसकी जो आप सॉरी जो यदि आप शेप कैलकुलेट करोगे तो इसे भूल जाओ, पीछे क्या बचा, एक बिगड़ा हुआ स्क्वायर और पिरामिड, दो
तो इसे कहते हैं हम डिस्टोर्टेड, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है। ये सभी एंगल, ये एंगल लेस देन 72 डिग्री होते हैं, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। अब इसे एक्सप्लेन बाद में किया गया। सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, ये कैसा है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर है। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि एक्चुअल में लोन पेयर फिक्स जगह पे नहीं रहता, ये क्या करता है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ रोटेट करता है। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यदि ये पेंटागोनल का प्लेन है तो ये लोन पेयर ऊपर नीचे यहाँ पे पूरे एरिया में एग्जिस्ट करता है। रोटेट करने का मतलब है, इस चीज़ का मतलब है कि यदि आप इस पेंटागन पे देख रहे हो तो ये जीनोन है, ये सब के सब अपनी अपनी जगह पर लोकेटेड फ्लोरीन एटम्स हैं। यदि आप लोग देख रहे हो तो यहाँ से आप लोगों को शेप भी समझ में आ रहा होगा। और ये नेक्स्ट फ्लोरीन है, ये देखो वही ऑक्टाहेड्रल ही है लेकिन इसका स्क्वायर बिगड़ा हुआ है। और ये जो लोन पेयर आप लोग देख रहे हो एक्चुअल में ये इस तरह से रोटेटिंग है। रोटेटिंग होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इतने बड़े एरिया में पाया जाता है। तो ये लोन पेयर इस तरह से प्लेन से बाहर से अंदर की तरफ ऐसे चांद की तरह गोल गोल एरिया में रहता है, इसीलिए ये यहाँ रहता है ताकि इसका रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। कंपाउंड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो, स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से आप लोगों को मैंने बात बता दी है, एक दो बातें लिखवा भी देता हूँ। ये स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर है एंड इसका मतलब है पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये जे एडवांस में ऐसी लैंग्वेज यूज होती है भैया, है ना, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री में कहीं ना कहीं सेट होगा। और ये लोन पेयर कहाँ पाया जाता है, इट इज़ द एरिया, मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये सारी बातें, दिस लोन पेयर एग्जिस्ट फ्रॉम अप टू डाउन इन दिस टाइप ऑफ एरिया है ना, ड्यू टू विच इट्स रिपल्सन इज मिनिमम, ताकि मिनिमम रिपल्सन हो जाए। समझ में आ रही होगी बात। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के आप लोगों को मैंने VSEPR पे खूब सारे एग्जाम्पल्स करवाए। अब कुछ बढ़िया बातें आप लोगों को बताता हूँ। आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा कि यदि आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हो तो आप जियोमेट्री तो बता दोगे कंपाउंड की। अब उस जियोमेट्री में यदि लोन पेयर आ जाए तो उससे बॉन्ड एंगल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, अभी बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने बॉन्ड एंगल में, क्योंकि यही एक फैक्टर नहीं है, बॉन्ड एंगल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो वो सारे फैक्टर वहाँ पे पड़ेंगे। लोन पेयर आ जाए तो उससे क्या होगा, लोन पेयर से दो चीज़ें होगी, एक बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होगा, दूसरा शेप बिगड़ जाएगी, जियोमेट्री वही रहेगी। जियोमेट्री मतलब लोन पेयर को इंक्लूड करते हुए एग्जैक्टली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्पेस अरेंजमेंट क्या है। शेप का मतलब लोन पेयर हटा दो, बचे हुए सिर्फ एटम्स स्पेस में किस तरह से अरेंज है। तो इसका मतलब आज के बाद आप लोग आराम से ये किसी भी क्वेश्चन में बता दोगे, व्हाट इज द शेप एंड जियोमेट्री ऑफ फलाना फलाना मॉलिक्यूल कंपाउंड। सारे एग्जाम्पल मैंने लगभग कवर कर दिए हैं। अब आप लोगों ने जितने लुईस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, आप एक काम करना, प्रैक्टिस करने के लिए सभी जो लुईस स्ट्रक्चर मैंने बनवाए हैं आप लोगों से, सबके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो, सबकी जियोमेट्री, सबके शेप। मल्टीपल बॉन्ड्स पे अभी फोकस मत करो क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की थ्योरी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड्स पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ बैक बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस, है ना।
और इसके अलावा हम बेंट रूल, बेंट मॉडिफिकेशन, ड्रेगो हाइपोथेसिस, मतलब इस इन थ्योरीज में जो हमने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन VBT पढ़ा था, इसमें कितने मॉडिफिकेशंस हुए, इसे कैसे कैसे रीडिफाइन किया गया, ये हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। कितना पक गए होंगे आप लोग। फिर भी यदि अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।